बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शेर शिकार की घर से जंगल में निकला, मगर एक शिकारी के पिंजरे में फंस गया। लाख कोशिश के बावजूद भी वो पिंजरे से नहीं निकल सका और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने एक आदमी को वहाँ से गुज़रते देखा। जब वो आदमी पिंजरे के पास से गुज़रने लगा तो शेर बोला, अरे भले आदमी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप इधर आए, मगर मुझे माफ कर दो, मैं सही तरह से आपको खुशामदीद नहीं कर सकता, क्योंकि एक बुरे शिकारी ने मुझे कैद कर दिया है। अब मुझे शिकारी जैसे नहीं लगते, बल्कि आप तो अच्छे इंसान लग रहे हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तुम्हें इस दुनिया में कुछ अच्छे और कुछ बुरे इंसान भी मिलेंगे। खैर, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो बताओ। मेरे दोस्त, अगर तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। मुझे डर है अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूँ तो तुम मुझे खा जाओगे। अरे नहीं, भला मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? तुम तो मेरी जान बचाने वाले हो, मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। आदमी शेर की बातों में आ गया और उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर शेर को आज़ाद कर दिया। दरवाज़ा खुलते ही शेर जल्दी से बाहर आया और आदमी के सामने देखो, जब तक तो तुम पिंजरे में थे तो तुम मुझसे आज़ादी की भीख मांग रहे थे, और अब तुम इतने डरावने लहजे में क्यों दहाड़ रहे हो? वो आदमी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इतने में वहाँ से एक लोमड़ी गुजरी। लोमड़ी को देखकर आदमी लोमड़ी से बोला, देखो इस एहसान फरामोश शेर को, मैंने इसे कैद से आज़ाद करवाया है और अब ये मुझे खाना चाहता है। देखो